स्वागत है आप सभी अंगमन का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती आई है। इस सारी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और कितनी वैकेंसी के लिए यहाँ पर पद है, कितना वैकेंसी है और क्या चीज़ है, सभी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग को बता दें, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि चयन बोर्ड के द्वारा, जो कि RSMSSB के द्वारा ये जारी किया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। इसमें हम आपको सीधे दिखाएं कि भर्ती तो परीक्षा कैलेंडर के सारणी भी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि अगर परीक्षा के नाम बताएं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पर्यवेक्षिका महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए महिला पर्यवेक्षिका के लिए सीधी भर्ती है। इसमें सिर्फ जो आंगनबाड़ी सेविका है वही भर सकती है। पहले जो आपको दिख रहा होगा इसमें सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका ही भर सकती है। एग्जाम का टाइप की बात करें आप लोगों को, तो एग्जाम का टाइप यानी कि सीटेट होगा या नॉन सीटेट होगा, तो देखिए आप लोग को बता दिया गया है नॉन सीटेट होगा, यानी कि सीट आपका नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो वहाँ की सेविका सहायिकाएँ हैं वो अपने परीक्षा के लिए तैयारी में जुड़ जाएँ, आज से ही लग जाएँ। बहुत ही अच्छी सुनहरा अवसर है, आप सभी को सुपरवाइजर बनने का अवसर दिया गया है। और भी विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि आपको जो चयन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कितना वैकेंसी रहेगा, किन के लिए क्या छूट रहेगा और ये डेट आपका कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए, फिर दूसरा में दिखाया गया है कि पर्यवेक्षिका महिला सीधी भर्ती, यानी कि पर्यवेक्षिका की भर्ती भी आई है, जो कि सीधी महिला परीक्षा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो वहाँ कोई जनरेशन के जो कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी महिला है जो कि पढ़ी लिखी है वो भी फॉर्म भर सकती है, यानी कि ग्रेजुएशन सीटेट के लिए यहाँ पर सीटेट और ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ फॉर्म भर सकती है, जो भी सीटेट से ग्रेजुएशन की होगी। उसके बाद है यहाँ पर तो परीक्षा दिनांक बताया जा रहा है 13 जुलाई 2024 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, विशेष जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुमानित जो बताया जा रहा है कि परीक्षा का जो है तो 22 जून परीक्षा भी हो जाएगा। तो ये सब परीक्षा का डेट आपको है और फॉर्म का डेट आपको आगे दिखाई देगा। और भी सीधी भर्ती बहुत सारे अधिकारी पर भर्ती आई, जैसे पर्यवेक्षिका महिला अधिकारिता की भर्ती आई है, इसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग डायरेक्टली जो राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि RSMSSB के द्वारा जो वेबसाइट ऑफिशियल पर जाके आप लोग नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जयपुर के द्वारा जो जारी किया गया है लेटर संख्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि दिनांक 13/2/2024 को जारी किया गया है नोटिफिकेशन। तो पता संख्या भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। अब आप लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हुए बताएं कि विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है महिला पर्यवेक्षिका के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो सीधी महिला पर्यवेक्षिका के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी कि सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती है, क्या वहाँ की भर्ती है वो भी अप्लाई कर सकती है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को हम पहले बता दें, ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन पदों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऑनलाइन आपको वैकेंसी दिया गया है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कितना वैकेंसी है, क्या आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। इसमें बताया जा रहा है कि ये हम लोग का पहला पन्ना है, इसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया के माध्यम से आपका ये यहाँ पर जो एग्ज़ाम भी होने का है, एप्लीकेशन भी आपका ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आप लोग को बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बिहार बोर्ड की जो वेबसाइट दिया गया है, यानी कि RSMSSB के द्वारा आप लोग इस वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे पहली बार, कोई भी सेविका या कोई भी लाभार्थी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो जाके इस वेबसाइट पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा और वहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार से आपको SSO के माध्यम, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हो कभी भविष्य में, तो वही आप लोग, आपके पास रजिस्ट्रेशन ID होगा और पासपोर्ट होगा, उसे लॉगिन करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए आप लोग आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें क्या क्या मूल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो देखिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा, तो आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। यदि आप लोग OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO के माध्यम से जनरेशन के करते हैं तो आप लोगों को उम्मीद पात्र में इसमें आप लोग सत्यापित हो जाते हैं। यानी कि यदि आप लोग वन टाइम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप पहले से आप लोग उसमें आधार वेरीफाई कर चुके हैं, तो आप लोग आधार देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आगे चलें, तो आगे बात करते हैं हम लोग इसमें जो आप लोगों को मूल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो मूल प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता रहा है कि मूल प्रपत्र, यानी कि सभी दस्तावेज जो आपका मूल प्रमाण पत्र है सभी आपके पास होना चाहिए। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं का आप लोग मार्कशीट भी निकाल सकते हैं, ये भी यहाँ पर वैकल्पिक है, आप लोग देख सकते हो।
उसके बाद बताया यदि उम्मीदवार के उपरांत किसी भी प्रक्रिया के स्वयं विवरण को सत्यापित कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको दी गई है। एडमिट कार्ड डेट की बात करें तो आपको सभी आपको जानकारियां दिया जाएगा आगे में। अब हम लोग बात करें कि एक नंबरीय पंजीकरण आपको पहले सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाके यानी कि आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोगों को पहले जाके पंजीकरण करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के द्वारा पत्रांक 19/4/2024 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण करना होगा, यानी कि आपको पंजीकरण भी करना होगा, ये अनिवार्य है। तो आप लोग पंजीकरण करके फिर आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अब आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो आप लोग ऑनलाइन भरिएगा इसका फ़ी आपको क्या लगेगा, तो देखिए फ़ी की भी चर्चा इसमें की गई है। इसमें फ़ी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए यहाँ पर सामान्य जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपये फॉर्म लगेंगे, और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो श्रेणी से आते हैं उनको यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये दी गई है, और समस्त दिव्यांगन यानी कि जो दिव्यांगन होंगे उनके लिए 400 रुपये राशि दी गई है। समस्त दिव्यांगन वो सामान्य में आए या कोई भी आरक्षित से आए उनको 400 रुपये फॉर्म भरने का लगेगा। बाकी आप लोगों को बता दें यदि सामान्य वर्ग के क्रिमिनल के लिए आए तो जैसे कि किसी भी स्टेट दूसरा स्टेट से आप लोग भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपये फी लगेगा। अब आगे बात करें राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों के अनुपस्थिति किस प्रकार से की जाएगी, तो विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। तो जो हम लोग को मूल जानकारियाँ हैं जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है वो आप सभी को हम लोग बताएंगे। आप लोगों को बता दें परिवीक्षिका महिला के रिक्त पदों की वर्गाकार यानी कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आया है इसकी आप लोग जानकारी लेना जरूर आपको चाहिए। महिलाओं की यहाँ पर देखिए 46 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और बात करें वहाँ की समान महिला में जो विधवा है यानी कि जिनका पति डेड कर गए हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर 3 दिए गए हैं, यानी कि समान के लिए सिर्फ 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ता यानी कि उनको कोई भी पद नहीं दिया गया जो कि प्रत्यक्ता यानी कि जिनका पति त्याग दिया हो। उसके बाद अगला देखें अनुसूचित जनजाति के लिए समान वर्ग में जो समान महिला के लिए जो आती है तो उनको 20 दिया गया, समान मतलब कि जो कि सभी मतलब कि सुरक्षित है सब कुछ ठीक ठाक है उनका, जो कि अनुसूचित से जाते हैं आते हैं उनके लिए यहाँ पर 20 है, और विधवा के लिए 1 दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं विधवा के लिए 3 दिया गया है, तो विधवा के लिए आप लोग को यहाँ पर इसमें भी 3 मतलब इस प्रकार से कुछ कुछ दिए गए हैं। सभी के लिए आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आरक्षण दिए गए हैं जो कि वैकेंसी आपको निकाले गए हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो आपको आगे दिखाया जाएगा टोटल वैकेंसी, इसमें 202 वैकेंसी आए हैं जो कि आपको सभी यहाँ पर दिखाई दे दिया जाएगा। सभी को आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा कि टोटल वैकेंसी कितना है। देखिए दिव्यांगन के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिखाया जा रहा है कि दिव्यांगन के लिए कितना आया है, और क्षेत्रीय आरक्षण के लिए कितना आया है, और भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना आया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना आया है। सभी वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं कितना कितना पद यहाँ पर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आसानी से नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लीजिएगा और आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या मूल जानकारी आपको देखना है। चलिए आगे की बात करें तो जब आप लोगों को आगे जो आप लोगों को हाईलाइट किया गया है पदों के लिए आपको केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, यानी कि जो महिला परीक्षिका के लिए इसमें तो आप लोग जानते ही हैं इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। दूसरा आप लोगों को बात किया जाए कि राजस्थान के यदि यहाँ की राजस्थान सेविका सहायिकाएँ जो है यदि फॉर्म को नहीं भरती हैं और अगर उस बार में अगर पद खाली रह जाता है तो वहाँ की जो सामान्य लाभार्थी हैं उनके द्वारा ये फॉर्म लिया जाएगा और उनको इस फॉर्म में जोड़ लिया जाएगा, यानी कि वो भर सकती है। इस प्रकार से कुछ बताए जा रहे हैं यदि आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं भर पाती है तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के पात्र भी होने चाहिए, इस पर सभी पात्रों से गुजरिए तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आगे आप लोग बात करें कि भूतपूर्व सैनिक के बारे में छूट दिया गया, यानी कि आप लोग कोई सैनिक है कोई खिलाड़ी है तो उनको भी आर्थिक रूप से छूट दिए जा रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के IOC की मतलब कि जो खिलाड़ी होंगे कोई भी गतिविधि में पार्टिसिपेट किए होंगे टूर्नामेंट के कोई भी, तो उनको आर्थिक रूप से कुछ छूट दिए गए हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे छूट दिए गए हैं आपको, तो आप लोग इसको देख सकते हो। आगे की बात करें आप लोग दिव्यांगन के लिए भी विशेष छूट दिए गए हैं, दिव्यांगन को ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी यहाँ पर बहुत सारे छूट दिए गए हैं, तो ये सभी चीज़ आप लोग देख सकते हो। इसमें ही आप लोगों को बताया जा रहा है कि वेतन के बारे में कि वेतन मान क्या होगा, यानी कि जो वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो बताया राज्य सरकार के द्वारा देश 7वें वेतन के अनुसार परिवीक्षिका पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 7 निर्धारित किया गया है, यानी कि परिवक्ता काल में मासिक नियम
पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित किया गया है। अन्य शर्तें क्या है, तो सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति परीक्षा भर्ती के लिए यहाँ पर किया जाएगा। परीक्षा की अभ्यति की यथाता गुजरना होनी चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए कुछ शर्त भी हैं जो कि आपको यहाँ पर फॉलोअप करना होगा। आगे की जानकारी आप लोग बता दें कि पात्र एवं शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको अनिवार्यता क्या होनी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बताया जा रहा है कि आपको ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, यानी कि इंडिया के किसी भी जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उससे आप लोग पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आप लोग पास हो तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। दूसरा में आप लोग किसी एक डिग्री से डिप्लोमा आप किए होंगे तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। दो डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है जो कि एक ग्रेजुएशन और एक डिप्लोमा। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी जरूरी जानकारी है, आप लोगों को देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा। आगे बात करें कि अन्य योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, तो अन्य योग्यताएँ की बात करें तो कि छोटी योग्यताएँ हैं, इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग स्वस्थ होना चाहिए, आपकी शरीर स्वस्थ हो, आपको कोई तरह का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, आपको कोई प्रकार की बीमारी पाई जाती तो उस केस में आपको नहीं लिया जा सकता है। चरित्र आपका सही होना चाहिए, यानी कि आप बेईमान के किसी पद पर ना हो, किसी मतलब कि आपके पास कोई आप पर कोई दोष ना हो, कोई आरोपण ना हो, इस प्रकार से आपको देखा जाएगा। राशि आपके पास होना चाहिए तो आप भारत के नागरिक हो। देखिए इसी यहीं से आप लोग समझ जाइएगा कि कौन कौन से स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, क्या ये सिर्फ राजस्थान के लिए है या कोई अदर स्टेट के लिए भी है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा हम ख़राब है, सर्दी थोड़ा सा हो चुका है इसके कारण से। तो बता दें आप लोगों को यहाँ पर बताया भारत के नागरिक हों आप, नेपाल या परिजन से या भूटान परिजन से या ऐतिहासिक दिव्य से, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर भारत का नागरिक हो सिंपल आपके पास होना चाहिए, बस आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आप लोग को आयु सीमा जरूर देखनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें प्रधान के अनुसार आवेदक 1/1/2025 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, यानी कि 1/1/2025 से पहले आप लोगों को 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का लगभग 18 वर्ष तो पूर ही गया होगा। स्पष्टीकरण की बात करें बोर्ड के द्वारा परीक्षिका भर्ती के लिए आप लोगों को इतना तक कुछ बताया जा रहा है कि जो कि आपको आयु सीमा के अनुसार होना चाहिए। और आप लोगों को छूट की बात करें कि आयु सीमा के लिए छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको अगर कि क्या आयु सीमा लास्ट लिमिट है, तो देखिए लास्ट में आपको 40 तक दिया गया है कि आपका लिमिट जो है वो 40 होना चाहिए। और सामान्य वर्ग के लिए लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनके 5 वर्ष छूट दिया गया है, और अदर कोई भी कैटेगरी के जो है उनको 10 वर्ष छूट दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से इसको पढ़ सकते हो। आगे बात करें तो आपको इसमें और भी मतलब कि आपके आयु के संबंधित में और भी पेंशन के संबंधित बताया जा रहा है कि पेंशन आपको क्या दिया जाएगा। देखिए पेंशन में नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार सरकार राज्य सरकार दे पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि पेंशन भी दिया जाएगा आपको। जैसे ही नई वैकेंसी की जाएगी उसके अनुसार सभी लाभार्थियों को उनके पेंशन भी लागू किए कर दिया जाएगा। विवाह पंजीयन के माध्यम से इस प्रकार से आपको जानकारियाँ हैं। पंजीकरण शुल्क जमा करने के ऑनलाइन ये आवेदन भरने की अवधि क्या है, आपको ऑनलाइन जो पंजीकरण कब से करना है और कब तक आप लोग को लास्ट डेट दिया गया है, इसको सभी सेविकाओं से ध्यान से सुनना है और समझना है सभी लोगों को। देखिए बताया जा रहा है यदि आप लोग OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, यानी कि एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हो पहले से, तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। शुल्क राज्य के निर्धारित ईमेल आईडी के माध्यम से आप मतलब कि ई मित्र के माध्यम से आपको जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। डेबिट कार्ड और अन्य माध्यम आपको दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि 21/2/2024 से ये फॉर्म जो आपका भरना स्टार्ट होगा इसमें, तो 21/2 यानी कि 21 फरवरी 2024 से ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आप लोगों का है 21/3/2024 यानी कि 21 मार्च 2024, यानी कि एक महीना आपको सीधा टाइम दिया जा रहा है। एक महीना के अंदर आपको फॉर्म भर देनी है, तब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आगे की बात करें आप लोगों को तो फॉर्म ऑनलाइन आपको करना है, और आप लोगों को ऑनलाइन ही फॉर्म लिया जाएगा, जो कि वेबसाइट के माध्यम से आपको पहले बता चुके हैं, जो कि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB के माध्यम से आप लोग जाइएगा और आसानी से सर्च करके आप लोग इस फॉर्म के आप लोग भर सकते हो। ये फॉर्म 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग 21 से इसको फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। आगे की बात करें आप लोगों को तो आगे बताया जा रहा है कि परीक्षा आयोजन कैसे किया जाएगा, तो महिला परीक्षा भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रश्न होगा, जो कि CBT यानी कि टेबल 11 आधारित प्रश्न होंगे, जो कि TBT यानी कि ऑनलाइन OMR के माध्यम से परीक्षा होगा। आपको OMR मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको देना है। आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, जो कि इसके वेबसाइट के माध्यम से आपको ईमेल या व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। अन्य प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, जो कि आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया आपका, कुछ दस्तावेजें जो कि सत्यापित के लिए आपको मांगे जा सकते हैं। इससे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्या आपके पास कमियाँ हैं जो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। इस आपको आप देखना चाहते हैं आप लोग विशेष जानकारी इसके बारे में, तो आपको हम पहले बता चुके हैं, PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग आसानी से जाइए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।
आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अच्छा से रीड कर सकते हो आगे क्या है। आवेदन कैसे करना है तो आपको देखिए यहाँ पर आवेदन पूरे सटीक ढंग से आपको बता दिया गया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया आपको कैसे आवेदन करना है। तो यदि आप लोगों का कमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कमेंट करते हो, तभी हम लोग कैसे आपको आवेदन करना है और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसकी सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। लेकिन अभी आप लोगों को कमेंट आएगा तो ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सेविकाएँ से जो सेविकाएँ हैं सहायिकाएँ हैं या उनकी जो भी लड़की है जो भी फॉर्म भरना चाहती है उनसे ज़्यादा कमेंट किया जाता है और वीडियो को लाइक शेयर किया जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हाँ आप लोग ने अपना प्यार सपोर्ट दिया है। तो हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए लाएंगे कि आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए, इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त कर ही लेना चाहिए। इसका भी वीडियो हम लोग लाएंगे, इसका वीडियो आप लोग अलग से मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार होना चाहिए, यानी कि 21 जनवरी से आपका फरवरी से आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और 21 मार्च तक आपका चलेगा। तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया पूरा, ये सभी चीज़ आपको तैयार होना चाहिए, यानी कि फोटो होना चाहिए आपके पास और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखेगा तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसे इसका मतलब परीक्षा होगा तो आपको आंसर की भी दिया जाएगा, आप लोग मिलान कर सकते हो। अन्य चीज़ें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है प्रक्रिया इसको पूरा सटीक ढंग से समझा दिया गया है, इसमें आप लोग समझ सकते हो इस पीडीएफ के माध्यम से। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है लेकिन हम लोग जो मूल हम लोग का बात था, जो हम लोग का मूल जानकारियाँ था, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को बता दें कि आवेदन में गलत सूचना प्राप्त होने पर आप देखिए कार्रवाई भी किया जा सकता है, इसलिए आप लोग गलत सूचना इसमें नहीं दीजिएगा, जो सही जानकारी है वही दीजिएगा तभी आप लोग का ये होगा, नहीं तो ये गैरकानूनी माना जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि सारा आपको कैसे फॉर्म भरना है। बोर्ड की वेबसाइट आपको यहाँ पर दे दी गई है, आप लोग को फिर से एक बार दिखा दें, वेबसाइट है आपको सर्च करना है www.rsmssb.com rajasthan.gov.in, इस पर सर्च करना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मूल जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो कि क्या आपको जानकारी चाहिए, क्या इसके बारे में चाहिए, आप लोग को मिल सकती है। आगे की जानकारी प्राप्त आपको बताएं आगे बताएं कि आप लोगों को जल्द ही RSMSSB के द्वारा भर्ती भी जारी किया जा रहा है, कि इसी के माध्यम से आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी भी आने वाली है जल्द ही, इसकी सूचना भी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जल्द ही आंगनबाड़ी पद के लिए वैकेंसी आने वाली है। देखिए पद का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, पद का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये कब से लागू होगा, देखिए आवेदन यहाँ पर 20 फरवरी से ही चालू हो जाएगा, 20 फरवरी 2024 से देखिए यहाँ पर लागू हो जाएगा, फीस निःशुल्क यहाँ पर भरा जाएगा और लास्ट डेट आपको 20 मार्च 2024 बताया जा रहा है। ये देखिए दैनिक भास्कर में पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द ही आंगनबाड़ी की वैकेंसी भी आ जाएगी, जैसे इसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता है हमें तो आप लोगों को हम जरूर प्राप्त करवाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही, जैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो पूरी जानकारी आपको आएगी कि कितना है क्या है, देखिए अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि आपको 5231 पदों की वैकेंसी आने वाली है, तो कहाँ पर क्या होगा इसकी जानकारी जब ही हम लोग को प्राप्त होगा तो आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि जो वैकेंसी आई है, अभी जो वैकेंसी आपको हम आगे दिखाए हैं ये महिला प्रवेशी की वैकेंसी है और जल्द ही वहाँ पर राजस्थान में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी भी आने वाली है। और अलग राज्य की तुलना में बात करें तो MP में भी जल्द ही राजस्थान में, जैसे कि राजस्थान में आया है उसे ही जल्द ही MP में भी महिला प्रवेशिका की वैकेंसी आने वाली है और जल्द ही आपको बिहार में भी देखने को मिलेंगे। तो अन्य राज्य की तुलना में आपको जल्द ही वैकेंसी सभी मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है, जो भी आपका जानकारियां हैं वो सभी लगभग इसी तरह से रहेगा, तो आप लोग भी अपना जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें कि क्या आप सेविका सहायिका जो अदर स्टेट की सेविका सहायिका हैं क्या राजस्थान में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो शायद हमारे स्तर से वो अप्लाई कर सकती है, या तो आप लोग खुद से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन जाकर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का कोई फी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कि आप पात्र है या नहीं है, तो कोशिश आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।